भारतीय सेना के जवान यूं तो हर पल हर तरह से जल थल नभ हर तरफ से चौकन्ने होकर देश और देशवासियों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, तो वहीं देश की रक्षा करने के लिए भारत में लगातार लाई जा रही नई नई तकनीकों वाले विमानों से देश की सुरक्षा में और बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही देश की बाहरी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रख पाना इंडियन आर्मी के लिए पहले जितना टफ काम था, लेकिन अब नए नए सुरक्षा विमानों की मदद से देश की बाहरी और आंतरिक रक्षा करने का काम काफी हद तक आसान हो रहा है। तो इसी कड़ी को बरकरार रखते हुए हाल ही में भारतीय नौसेना ने नौसेना एयरबेस स्टेशन INS राजली से P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्र क्षेत्र पर निगरानी रखने वाले एयरक्राफ्ट के साथ अपनी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया। बता दें कि P-8I एयरक्राफ्ट को गेम चेंजर के रूप में जाना जाता है। भारतीय नौसेना में इस विमान का एक अहम रोल है, क्योंकि इसने लद्दाख सेक्टर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भारत के कई क्षेत्रों में निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सिक्किम भूटान सेक्टर के साथ चीनियों के भारतीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए विस्तार को भी भापा जा सकता है। यही नहीं, डोकलाम क्राइसिस और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में विदेशी युद्धपोतों और अनुसंधान जहाजों की लगातार निगरानी में भी ये विमान लगा रहता है। इस विमान को द गार्जियन ऑफ द इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर क्षेत्र के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने भारत प्रशांत क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए पिछले 10 सालों में 44,000 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है। बता दें कि भारतीय नौसेना इनमें से 12 विमानों का संचालन करती है, तो वहीं आगे भविष्य में अमेरिका से 6 और विमान हासिल करने की योजना भी है। बहरहाल P-8I एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना की आंख और कान की तरह है, जो कि महत्वपूर्ण ओशन ऑपरेशंस को अंजाम देता है, और भारत के समुद्री अधिकारी रणनीतिक रूप से मुख्य हिंद महासागर क्षेत्र में इस विमान की ही बदौलत सही तौर पर कमांड कर पाते हैं और भारत देश की सुरक्षा में अपना अतुलनीय योगदान दे पाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को जरूर दबाएं।